ये रेस्टोरेंट का नज़ारा कुछ ऐसे ही दिखेगा, पार्टी सार्टी मना रहे भाई सब। नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका सबका स्वागत है यार। अभी मैं इंतेवे में हूँ और कई दिनों बाद मैं व्लॉगिंग करने लग गया, रियल ट्रैवल व्लॉगिंग। ईस्टर के चार हॉलीडेज में आज पहला दिन ही है मैं इंतेवे में आया हूँ कंपाला छोड़ के। कंपाला से इंतेवे करीब करीब 40 किलोमीटर है, बट इंतेवे एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ का प्रकृति का नज़ारा जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और आप लोगों के लिए मैं सिर्फ यहीं पे आया हूँ और ये व्लॉग बनाने के लिए आया हूँ। तो चलो हमारे साथ दिखाते हैं आपको ये जगह कैसी है। आवाज़ सुन के आपको तो पता लग ही रहा होगा, पानी का आवाज़, लहर का आवाज़, पर ये कोई समुंदर नहीं है भाई, ये लेक विक्टोरिया है। ये विक्टोरिया लेक दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्वीट वाटर लेक है। आप देख सकते हो कितना बड़ा है। पहले वीडियो में भी मैंने बताया था, यहाँ से सीधा आप अगर चले जाओगे 400 किलोमीटर के आसपास तो आपको तंजानिया मिलेगा, और इस तरफ जो है वो रुवांडा मिलेगा, और इस तरफ जो है वो केन्या मिलेगा। लंबाई में 400 किलोमीटर है और चौड़ाई में 300 किलोमीटर है। समुंदर नहीं, पर ये समुंदर का बराबर ही है। बढ़िया बीच है, आप देख सकते हो। सुंदर नारियां अपना सेल्फी लगाने में बैठे हुए हैं। अरे मेरा जूता भीग जाएगा भाई। अपने दोस्त के साथ यहाँ पे एक बार आया था मैं 3-4 महीने पहले। उस समय मैं यहाँ पे कोई ब्लॉगिंग नहीं कर पाया था, बट यहीं पे एक ज़बरदस्त इटालियन रेस्टोरेंट है, मैं अभी वहीं पे जाऊँगा और आज का लंच जो है वहीं पे करूँगा। आप लोगों को मैं दिखाऊँगा मैं लंच पे क्या लेने वाला हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है वो जगह, अभी हम वहीं पे चलेंगे। तो जाने से पहले मैंने सोचा एक बार आप लोगों को ये विक्टोरिया लेक का जो बीच है दिखा दें। ये रेस्टोरेंट जो है ना एकदम बीच के ऊपर है, बीच फ्रंट है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं लास्ट टाइम यहीं कहीं बैठा हुआ था, आज मुझे यहीं कहीं बैठना है, छाये के नीचे, पेड़ के नीचे। अंदर तो मैं बैठने वाला हूँ नहीं, देखता हूँ कहाँ बैठ सकते हैं, ये ठीक रहेगा। ये रेस्टोरेंट का नज़ारा कुछ ऐसे ही दिखेगा, पार्टी सार्टी मना रहे भाई सब। जगह जो है ना शानदार है, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया था पिछली बार जब मैं आया था यहाँ पे। तो आज भी अकेला आया हूँ, पिछले बार तो फिर भी हमारे साथ हमारा कोलकाता वाला दोस्त था। तो आज मैं बैठूँगा यहाँ पे, कुछ समय बिताऊँगा और आप लोगों से बात करता रहूँगा। हकीकत में ना ये लेक समुंदर जैसा ही दिखता है, जहाँ पे लहरें की आवाज़ सुनाई देती है, और यहीं पे बीच के किनारे आप कोई ड्रिंक्स लेके बैठो तो दिल की तसल्ली हो जाती है। तो अभी मैं ऑर्डर दिया हूँ एक ड्रिंक्स का, मेरा फेवरेट ड्रिंक्स, फुल ऑफ आइस लेमन स्लाइस एंड सोडा वाटर। तो उसके साथ पीते पीते हम आपसे बात करेंगे। मजा आ गया यार, देखते हैं मेनू कार्ड में क्या है। गोरेत्ती पिज़्ज़ेरिया रेस्टोरेंट एंड बार। एक इटालियन है, लगता है इटली मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा यार। स्टार्टर सैंडविच, बर्गर, चिकन,
बारबेक्यू, और क्या मिलेगा? पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा तो हम खाने वाले हैं नहीं, और स्पिरिट्स ये सब हमारे कोई काम के हैं नहीं। देखता हूँ यार पास्ता वास्ता कुछ मिल जाए। यार ये पास्ता ले लेते हैं हमारे लिए, क्रिमोरा क्रीमी मशरूम एंड चीज सॉस। 33,000 मतलब 650-700 के आसपास है, यही ले लेता हूँ भाई। हमारा लंच आ गया है, ये कोई पास्ता तो बता तो रहे हैं, पास्ता तो दिखने में लग नहीं रहा है, बट इसके साथ बहुत सारे चीज और मशरूम दे के रखा हुआ है, और साथ में एडिशनल चीज दे रखे है। मुझे एडिशनल चीज लेना नहीं है भाई। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। मज़ा आ गया, बहुत ही ज़बरदस्त है, काफ़ी दिनों बाद ऐसा डिश खाने को मिला। भाई बिल आ गया, कुल मिला के 37,000 हुआ है, इंडियन करेंसी में करीब 800 रुपये है, एक जने का 800 रुपये यार फूक गया, क्या करें, 50,000 का नोट दे देते हैं। तो अभी यहाँ से निकालने की बारी है, तो अभी घर जाने से पहले यहाँ पे एक दोस्त से हमारी मुलाकात होनी है। इनसे एक हफ्ता पहले हमारी मुलाकात हुई थी इंडियन एम्बेसी में। अगर आपने वो कर परचेजिंग एक्सपीरियंस इन युगांडा वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे, ऊपर मैं लिंक दे रखा हूँ, आप चाहो तो देख सकते हो। तो उनसे 10 मिनट के लिए मिलेंगे, फिर यहाँ से निकल पड़ेंगे कंपाला। अब निकलने के बारी आ गई भाई, यहाँ पे ना रेस्टोरेंट में भीड़ बहुत लग गया, आपको मैं दिखाता हूँ, इतनी भीड़ लगी हुई है कोविड के समय, अब भागने की बारी है। ये एकदम टिपिकल इटालियन रेस्टोरेंट है, हो सकता है कोई इटालियन ने यहाँ पे रेस्टोरेंट खोले हैं। रोड के उस पर इनका होटल है और इस तरफ इनका रेस्टोरेंट है। बस अब निकलने की बारी है भैया, हमारी गाड़ी है, हमारी बसंती। तो अभी हमारे एक दोस्त के साथ यहाँ मिलेंगे, फिर यहाँ से निकल पड़ेंगे भाई। यहाँ पे बढ़िया टोपी बिक रहा है, दुनिया वाले को तो टोपी पहना नहीं सकता, खुद ही टोपी पहन लेता हूँ। देखो भैया, हाय हाउ आर यू? वेरी गुड, हाउ मच इट इज? लास्ट टाइम आई टुक 10,000 ओनली। इस लड़की ने शायद मुझे पहचान नहीं पाया, मैं 2 महीना पहले आप लोगों को बताया ना, एक हमारे बंधु के साथ आया था जिनके साथ हम लोग केनिया सफर किए थे, तो मैं यहीं से एक टोपी लिया था और इन्होंने फर्स्ट टाइम में 10,000 बोला था। आज मैंने टोपी लेने की कोशिश करी, इसने मुझे टोपी पहनाने की कोशिश कर दी, 30,000 शुरू किया, जैसे ही मैंने बोला यार 10,000 रुपये और ठीक है ले लो। ये स्थिति देख लो, मैं जनरली इन लोगों से बार्गेन नहीं करता क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने मेरे से 10,000 में टोपी दिया था, तो आज मैंने इनको रिमाइंड किया भाई ऐसा मत करो, ले लेते हैं ये टोपी। हाँ ठीक है यार, देवानंदी लग रहा हूँ भाई। दोस्त से मिल ले, इस होटल में आ गया, ये एंटेपे का कोई 3 स्टार या 4 स्टार होटल होगा। इसने मुझे एडवाइस किया 6th फ्लोर में आ जाओ। 6th फ्लोर में आके मेरी तो आँखें यार बड़ी हो गई, इतना बढ़िया जगह है। आप देखो दूरी पे विक्टोरिया लेक दिखाई देगा, कितना शानदार नज़ारा है, वाओ। शाम के वक्त यहाँ बैठने का मज़ा ही कुछ अलग होगा, वंडरफुल। भाई देखते हैं हमारा दोस्त कितना जल्दी आ जाता है, मैंने इनको 3 बजे का टाइम दिया था और 10 मिनट पहले पहुंच गया, तो नेचुरली यार 10 मिनट पहले पहुंच गया तो 10 मिनट तो इंतज़ार करना पड़ेगा। दोस्तों दोस्त के साथ आखिरकार मुलाकात हो ही गई, ये है हरीश जी। यहाँ पे इतने में कोई एक 4 स्टार होटल होगा, के होटल yes. के होटल के हिसाब से जाना जाता है, उस होटल का ये शेफ है हिमाचल के रहने वाले। इनसे हमारी मुलाकात हुई थी 7 दिन पहले इंडियन एम्बेसी में, क्या कह रहे थे? सही है ना? तो इनसे अब मुलाकात हो गई, अब घर वापसी की बारी है। अच्छा बंदा था, 10 मिनट के लिए मिल लिया, ऐसी हो जाती है लोगों से मुलाकात हमारी। इनसे तो हमारी मुलाकात 7 दिन पहले हुई थी,
अभी मुझे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, थोड़ा सा जूस वूस पी लो। मैंने कहा यार अभी मैं लंच करके आया हूँ, अभी मूड नहीं है, फिर कभी करेंगे। भाई अब निकलने की बारी आ गई, यहाँ से सीधा चलेंगे कंपाला। कंपाला यहाँ से करीब करीब 1 घंटे का रास्ता है, रास्ते में चलते चलते आपसे बात करेंगे। एंटेबे कंपाला से करीब करीब 40 किलोमीटर दूरी पे है, और एंटेबे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एक छोटा सा शहर है, मुश्किल से इसकी आबादी 1 से 1.5 लाख की होगी, इससे ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख, इससे ज़्यादा तो होनी ही नहीं चाहिए। बहुत ही सजा हुआ शहर है, यूनाइटेड नेशन का एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है यहाँ पे। और क्योंकि ये एंटेबे एयरपोर्ट युगांडा का एक ही लौता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एंटेबे एयरपोर्ट के आजू बाजू यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स वगैरह हैं, तो उसी एक होटल में हमारा ये दोस्त नौकरी करते हैं शेफ के हिसाब से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज का ये जो शॉर्ट ट्रिप है, ये पहली बार है यार जिंदगी में, पिछले 9 साल में ये दूसरा साल होगा जिस समय मैं ईस्टर हॉलीडे में कहीं पे घूमने के लिए जा नहीं पाया था। मुझे आज भी याद है 2017 में मैं साउथ अफ्रीका गया था, 2018 में मैं नेदरलैंड्स गया था, 2019 में मैं डियानी गया था, और 2021 में मैं गया था 2021 में मैं टंजानिया गया था, और ये 2022 इस समय मुझे इटली और ग्रीस जाना था, वो हो नहीं पाया। ठीक है यार फिर कभी देख लेंगे, ऐसी क्या जल्दी है, अभी तो हमने सिर्फ स्टार्ट ही की है। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपना ओपिनियन जो है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।